नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। एसपीएन नई न्यूज में आज बातचीत करेंगे जुमे की नमाज के बाद जो लोगों के मन में डर है नुपुर शर्मा को लेकर, जो लोग मुसलमानों के खिलाफ जो लोग ये सोच रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद क्या कुछ हो सकता है, पुलिस ने कैसी तैयारियां की है, कहाँ कहाँ पुलिस को अलर्ट रखा गया, यूपी में क्या इंतजाम है, इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में देंगे कि जुमे की नमाज के बाद जो लोगों के मन में डर है क्या वो फिर से एक बार दोहरा तो नहीं जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जुमे की नमाज के बाद हमेशा से हम सब देख रहे हैं कि नूपुर शर्मा के खिलाफ जो है मुस्लिम लोग प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। इस बीच में पुलिस ने, आज जुमा का दिन है तो आज के लिए तैयारी क्या की है पुलिस ने, वो हम आप दर्शकों को बता रहे हैं कि जुमे की नमाज पर पुलिस जो है, खास करके योगी पुलिस का मैं जिक्र कर रहा हूँ यूपी में, क्योंकि सबसे ज्यादा घटनाएं वहीं से आई हैं, पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। वहीं आपको ये बता रहे हैं कि 24 संवेदनशील जिलों में 132 कंपनी PAC और 10 कंपनी में CAPF जो है तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है, जो जरूरत भी है। अब प्रदेश के 24 संवेदनशील जिलों में 132 कंपनी PAC और जैसा कि मैंने बताया कि 10 कंपनी CAPF जो है तैनात किए गए हैं, ताकि कहीं भी कोई चूक ना हो जाए। लेकिन सवाल जो है वो हमेशा से घेरी रहती है, क्योंकि यही चीज पिछले जुमे की नमाज में भी था, यही चीज इससे पहले वाले जुमे की नमाज में था, लेकिन इसके बावजूद हिंसा पथराव कैसे हो जाती है, ये पुलिस प्रशासन ने कभी जवाब दी है और न ही दे पाएगी। देखना होगा कि नूपुर शर्मा के खिलाफ क्या मुसलमान आज भी नारेबाजी करते हैं, क्या विरोध करते हैं उनके, और उनके खिलाफ जो है जमकर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि मुसलमान समाज का हमेशा से कहना है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये सब चीज देखने को मिलता रहेगा। देखना यही होगा आखिर में कि आज जुमे की नमाज के बाद होता क्या है और पुलिस प्रशासन ने नूपुर शर्मा को गिरफ्तार कब कर दी। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें स्पेन न्यूज।